हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो यस, आज मैं आप सबके साथ सूजी का हलवा की रेसिपी शेयर करूँगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सूजी का हलवा खाने में बहुत टेस्टी लगता है और उसके अंदर जब ड्राई फ्रूट्स डले हो तो फिर उसका टेस्ट और इन्हांस हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चीनी ली है और 250 ग्राम ही सूजी ली है और 50 ग्राम्स मैंने रेंजेस लिए हैं एज अ ड्राई फ्रूट, मैंने इन सबको डाला है। और 50 ग्राम से मैंने कोकोनट लिया है, वो भी ग्रेट करके। और 7-8 मैंने यहाँ पर कार्डमम्स लिए हैं और साथ में मैंने येलो फूड कलर भी लिया है जिससे हमारे सूजी का हलवा उसमें कलर आएगा। अब हम डालेंगे पानी और सूजी से 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए पानी। और अब हमें डालना है 2 टीस्पून घी। अब हमें घी को 2 मिनट्स के लिए गर्म होने देना है, फिर हम उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अब हमें यहाँ पर कोकोनट डालना है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए थे कि मैंने कट करके रखे हुए हैं उन्हें। तो हमें उन्हें कोकोनट्स को डालना है और अच्छे से जब वो घी को अब्सॉर्ब कर ले और अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, फिर हमें उन्हें बाहर निकाल देना है। और हाँ फ्रेंड्स, हमें कोकोनट्स को डालने के बाद सौते ज़रूर करना है। अगर हम सौते नहीं करेंगे तो फिर हमारे कोकोनट्स एक साइड से जल भी सकते हैं। और आपको इस पॉइंट पर देखना है, जब हमारे घी में से बबल्स आने लगे और ऊपर का पार्ट थोड़ा सा फ्रॉदी हो जाए, फिर आपको कोकोनट्स को निकाल देना है। और अब मैंने कोकोनट्स को बाहर निकाल लिया है एक बोल के अंदर। और अब हमें घी के अंदर सूजी ऐड करनी है और सूजी ऐड करने के बाद हमें अच्छे से सौते करना है ताकि सूजी के लम्प्स ना बने। सूजी को हमें जब तक सौते करते ही रहना है जब तक उसका कलर चेंज नहीं होता, हल्का सा ब्राउनिश नहीं हो जाता। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जिस वेसल के अंदर वाटर डाला था, अब हमें उसी वेसल के अंदर सभी इंग्रेडिएंट्स को डालना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कार्डमम पाउडर को डाला और फिर हमने रेंजेस को डालना है। अब हमें फूड कलर ऐड करना है, तो फिर आप फूड कलर किसी भी कंपनी का ऐड कर सकते हैं। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें शुगर ऐड करनी है। तो फिर यहाँ पर मैंने जो घर में नॉर्मल शुगर होती है, मैंने वो वाली शुगर ली है। आप चाहे तो आइसिंग शुगर ले सकते हैं, ब्राउन शुगर ले सकते हैं, पाउडर शुगर ले सकते हैं, या फिर आप शुगर फ्री भी ऐड कर सकते हैं। और अब हमें इस मिक्सचर को सौते करके उसमें कोकोनट को ऐड करना है। हमारी सूजी ने भी घी छोड़ दिया है और हमें थोड़ा सा इसे सौते करना है। और जो वाटर वाला मिक्सचर है हमें इसमें ऐड कर देना है। ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा केयरफुली कीजिए, गैस को लो फ्लेम पे रख के फिर ही आप ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए ताकि आपके हैंड्स पर हीट ना पहुँचे। फिर आपको इसे अच्छे से सौते करते रहना है 10 से 15 मिनट तक, ताकि हमारे जो सूजी का हलवा है वो अच्छे से थिक हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाए। और अब हमारा जो सूजी का हलवा है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है, बबल्स भी आ रहे हैं, बट आपको सौते करते ही रहना है, नहीं तो आपके सूजी के हलवे में लम्स भी पड़ सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, मन कर रहा है कि अभी मैं सूजी का हलवा खा लूँ, बट वो अभी रेडी होने में थोड़ा और टाइम लगेगा। आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आ रही है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा है। कमेंट करके बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा सूजी का हलवा रेडी है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सब में से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि मेरी वीडियोस को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी वीडियोज़ मैं आप सबके लिए लेके आता ही रहूँगा, व्लॉग्स भी लेके आता रहूँगा। तो मिलूँगा मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।